भक्त बनकर कथा में घुसा, प्लानिंग के तहत बाबा तक पहुंचता, फिर धीरेन्द्र शास्त्री को करता खामोश। बाबा बागेश्वर के घर के पास हथियार लेकर क्यों घूम रहा था मुबीन, जांच में हुआ हैरान करने वाला खुलासा। धीरेन्द्र शास्त्री की बढ़ेगी सुरक्षा, वाई से सीधा जेड प्लस में होगी सिक्योरिटी अपग्रेड, मोहन यादव लगाएंगे मुहर। जब पूरा देश दिवाली की धूम में था तब बाबा बागेश्वर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा था, ये सुनेंगे तो आप एक ही सलाह देंगे, बाबा जी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए। हैरानी की बात यह है कि बाबा बागेश्वर के पास पहुंचने की इतनी खतरनाक कोशिश मुबीन खान ने की है कि एमपी पुलिस का सिर चकरा गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में लगी वाई कैटेगरी के कमांडो भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं। तारीख थी 30 अक्टूबर 2024 की। बाबा बागेश्वर के घर के बाहर मुबीन खान हाथों में हथियार लेकर पहुंच जाता है। उसके साथ उसके दो दोस्त भी होते हैं जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार की सेवा में जुटी समिति के सदस्य रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो सीधा उनसे भिड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बाबा बागेश्वर तक वो किसी भी तरह से पहुंचना चाहते हैं, पर उनकी कोशिश कामयाब होती है। पर उससे पहले एमपी पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें आरोपी नंबर एक मुबीन उर्फ बड़े खान, आरोपी नंबर दो पुष्पेंद्र पटेल, आरोपी नंबर तीन कुंज बिहारी पटेल। इनमें से मुबीन खान के खिलाफ पहले से 3 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि पुष्पेंद्र के खिलाफ 5 केस हैं। फिर सवाल है कि इन्हें भेजा किसने, क्या इन्हें उस ग्रुप ने भेजा है जो नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, या फिर विदेश में बैठकर सनातन धर्म को बदनाम करने का अभियान चलाने वालों ने कोई लालच देकर भेजा है, क्या मुबीन खान का कोई माइंड वॉश किया गया है जिसके साथ उसने अपने साथ दो हिंदू दोस्त जानबूझ कर लिए ताकि बाबा बागेश्वर तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना आए। ये कहानी इतनी सरल नहीं है जितनी आपको लग रही है, क्योंकि जब भी किसी वीवीआईपी के घर पर ऐसी गिरफ्तारी होती है तो पहला सवाल यही होता है कि क्या ये लोग घर की रेखी करने गए थे, क्या रेखी की रिपोर्ट में किसी तीसरे व्यक्ति को देने वाले थे, और फिर कोई चौथी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था। एमपी पुलिस इन तीनों से पूछताछ में जुटी है, इनके तार कहां कहां से जुड़े हैं इसका पता लगाने में जुटी है, पर असल सवाल ये है कि क्या बाबा को जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। वाई प्लस से सीधा जेड प्लस सिक्योरिटी की डिमांड, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास फिलहाल वाई कैटेगरी की सुरक्षा है। कहा जाता है कि यही सुरक्षा बाबा सिद्दीकी के पास थी जो काम नहीं आई। वाई की बात वाई प्लस जेड और फिर एक्स प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी होती है, जिसमें जेड प्लस सबसे सिक्योर होता है। खतरे को देखते हुए इसे बढ़ाने की डिमांड है। बिहार के डीजी अरविंद पांडे ने 1 साल पहले ही बाबा बागेश्वर के लिए जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग कर दी थी, बाकायदा ट्वीट कर इसे लिखा भी था। उनका दावा था कि बाबा के लिए जैसा हुजूम हर जगह उम्र पड़ता है, और ये जिस हिसाब से सत्य सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदुओं का एक तरीके से उद्घोष करते हैं, खुलकर हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं, इन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी दिया जाना बेहद जरूरी है। तब जाकर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और हो सकता है कि शायद अब केंद्रीय गृह मंत्री तक मोहन यादव सरकार स्पेशल रिक्वेस्ट फाइल बढ़ाए, क्योंकि मुबीन की गिरफ्तारी के बाद एक चीज तो साफ होती है कि बाबा के लिए खतरा बड़ा है और वो किसी भी रूप में कभी भी सामने आ सकता है, इसीलिए सतर्क और सावधान दोनों रहना जरूरी होगा। अब तक कई बड़े स्टार की तरह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भी धमकियां मिल रही थी, लेकिन अब सीधा घर तक दुश्मन पहुंच गए हैं, जिसका मुकम्मल इलाज पुलिस और जांच एजेंसियों को करना होगा।